मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा देखने में आया है, अब मध्य प्रदेश सरकार जो है ऑनलाइन उसने एक पोर्टल बनाया है जहां पर आप अपना मूल निवासी आय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी आप लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट से बनवा सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे में जो चेक करना है, चेक ये करना है कि जब आप जाते हैं एमपी ऑनलाइन पे बनवाने या कहीं और बनवाते हैं तो आपको क्या वो वैलिड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए वहाँ पर एक नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि शुरू होता है, और उस नंबर को आप जो है चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे, आप जाएंगे लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाने के बाद जो है देखिए ये देख पा रहे हैं आप mpedistrict.gov.in, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है ये लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट ओपन होने वाली है। यहाँ पर आपको राइट में एक ऑप्शन दिखाई देता है, और क्योंकि ये वेबसाइट अभी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आप सभी को, इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज चालू करने वाले हैं, कैसे इस पर आईडी बनाई जाती है, कैसे इस पर अलग अलग तरीके से आवेदन किए जाते हैं, कितने तरीके के इस पर आवेदन होते हैं, इस पूरी वेबसाइट के लिए मैं अलग से एक वीडियो सीरीज लेकर आऊँगा। अभी आपको करना क्या है, आपको जाना है दोस्तों यहाँ आवेदन की स्थिति जानने के लिए, ये स्टेटस चेक करने के लिए होता है। लेकिन अगर इसका स्टेटस डिस्पोज लिखा आ रहा होगा, मतलब कि आपका प्रमाण पत्र वहाँ से बन चुका है और बनकर जो है आपके पास प्राप्त हो गया है, हमें सिर्फ करना क्या है दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद वो जो यूनिक नंबर मिलता है आपको, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से देखिए ये हमने यूनिक नंबर डाल दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो है फिल करना है, और कैप्चा कोड फिल करने के बाद अगर दोस्तों आपके पास पंजीकरण नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जांचें, यहां से भी आप जांच सकते हैं। अब हमें यहां पर ये नंबर डालने के बाद खोजें पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये डिटेल्स आ गई हैं, ये डिटेल्स आप देखें, विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन, सेवा का नाम है कि हम एक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ये आवेदक का नाम है, ये पता है, ये पंजीकरण क्रमांक है जो हमने डाला था, ये दिनांक है किस दिन ये आवेदन पूर्ण हुआ। आप देख रहे होंगे दोस्तों लिखा रहा है निराकरण की स्थिति डिस्पोज्ड, मतलब कि ये आपका प्रमाण पत्र वैलिड है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये नोटशीट टाइप की आपको दिख रही है, ये इसमें जो यहाँ पर कह सकते हैं जिनका कंसेंट है कि ये यहाँ से भेज दिया गया है इस नंबर का। अब दोस्तों करना क्या है आपको, यहाँ आप देख रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं जो आपने भरा होगा, आप संलग्न प्रपत्र देख सकते हैं, नोटशीट आप देख ही पा रहे हैं, आप जो है अभी स्वीकृति देख सकते हैं, और प्रमाण पत्र जो आपको देखना है, जो मान लीजिए अगर आपने डाउनलोड नहीं भी किया है, आपको नहीं मिला है, तो आप ये नंबर डालने के बाद यहाँ प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही देखिए दोस्तों ये प्रमाण पत्र आ गया है, आप देख रहे हैं यहाँ कार्यालय नायब तहसीलदार, और ये पूरा का पूरा हमारा जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो हमने आवेदन किया था ऑनलाइन। इस तरीके से आप इसको जो है यहाँ आने के बाद इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का, प्रिंट करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और जो है इसको सेव कर कर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक आसान सा तरीका था कैसे लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाने के बाद हम हमारे किसी भी आवेदन को, इसमें हमने प्रमाण पत्र के बारे में आपको बताया है, प्रमाण पत्र है ये स्थानीय निवासी, ऐसे जितने भी आवेदन यहाँ होते हैं उन्हें आप इसी तरीके से जो है आसानी से दोस्तों जांच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिनको भी इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, इस सुविधा के बारे में नहीं पता है, उन्हें ये वीडियो बताइए और बताइए कि हम एक पूरी सीरीज इस पर शुरू करने जा रहे हैं, एक एक करके हम इस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।